अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसाना मेज़बान मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग। तो अज मैं मौजूद हाँ गुलार कॉलोनी विच, जिथे अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर ईद ने दूसरे रोज़ कुर्बानी ना एहतमाम किया। तो पहले दिन भी अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर कुर्बानियाँ दीदियाँ, और अज ईद ना दूसरा रोज़ है, अज गुलार कॉलोनी विच कुर्बानी ना बंदोबस्त किया गया। तो असल अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर आज़ाद कश्मीर ने सदर तारक अंजम मुगल साहब मौजूद हैं। असं उन्होंने को पूछा कि अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर कुर्बानी प्रोजेक्ट ने हवाले नाल इस ईद पर क्या क्या खिदमात अंजाम दीतियाँ। तारक अंजम साहब, बहुत शुक्रिया कि अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर नी गल असं करा। तो हर शोभा जिंदगी विच गरीब मुस्तहिक और सफेदपोश लोगों ने खिदमत अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर ना एक बड़ा मुस्बत किरदार है, और असं उस किरदार की खराज तहसीन भी पेश करने हैं। खासकर ईद उल अज़हा ने मौका पर जड़ा कुर्बानी प्रोजेक्ट है, इसकी क्या तफसीलात असने नाज़रीन की दस्त। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर पिछले साल नी तरह इस साल भी अपने कुर्बानी प्रोजेक्ट ने एहतमाम किया। और मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग साहब, असं कुर्बानी प्रोजेक्ट की खास और आम बात तुसें दसा कि मुसलसल ईद ने जो त्रै रोज़ इन त्रै रोज़ अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर कुर्बानी ने एहतमाम करना, और बिलखसूस ऐसी मखसूस जगह पर जिथे तकने असं के गरीब लोग के सफेद पोश लोग के उत्थे कुर्बानियाँ घट होनियाँ उत्थे असं कुर्बानियाँ ने एहतमाम कर रहे हैं। इस तू पहले असं महाजर कॉलोनी सरालियाँ फड़ी महाजर कॉलोनी है जिथे मैं रहना है, उत्थे असं कुर्बानी ने एहतमाम किया। उस तो बाद एक माजर बस्ती है बाबड़ा माजूरानी बस्ती, अज ईद दिन दूसरा दिन सा असं उत्थे कुर्बानी ने एहतमाम किया, क्योंकि उत्थे जेडे 14 खानदान ने 38 मजूर है उन्हां की उत्थे असं कुर्बानी ने जानवर तकसीम करी। तो असं इत्थे गुलार माजर कॉलोनी है, इत्थे भी असं की पता चलिया सा कि इत्थे भी तकरीबन अक्सरियत सफेद पोश लोगों की या गरीब लोगों की है। इत्थे कुर्बानी ने जानवर बहुत घट होने, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा ही है। तो इस वजह तू तको कि इतना रश भी तको काफ़ी पिया वा, इसका मतलब है कि असं की कुछ जिस भी खबर दिती सही दिती। तो अल्हम्दुलिल्लाह असं अज अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर जरा कुर्बानी ने दूसरा जानवर जबा करी रहे गुलार माजर कॉलोनी विच करी रहे। तारक साहब, तुसा पावड़ा माजूरा की बस्ती ना जिक्र किया, तो वह तो दूर दराज इलाका है जिथे पैदल चली तो जाना पैना, तो तुसा उत्थे जाई तो कुर्बानी दी या सड़क ने किनारे कुर्बानी दी? इस हवाले मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग साहब, मैं तुसा की दसा कि बिल्कुल दुशवार गुजार इलाका है, और कम अज़ कम अद्धा पौना घंटा पैदल चलना पैना, ढक्की चढ़नी पैनी असं की उत्थे। और सब की आम गल तुम यह दसा कि उत्थे एक दूर दूर घर है, एक घर इत्थे आ, एक काफ़ी किलोमीटर तू अगे तुम जासो दूसरा घर है। उत्थे सब की बड़ी गल है, तुम्हें दसा कि अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर मुसलसल दो साल तो कम कर रहा, लोगों की जरूरियात जिंदगी रोज़मर्रा जरूरियात जिंदगी चीज़ा ही असं दे रहे हैं, रमज़ान पैकेज, ईद पैकेज, उस तो अलावा मौसम गर्मा सरमा मुनासिबत कपड़े राशन। और पिछला साल भी असं उत्थे जाइए, उन्होंने जड़ा महला आ, उन्होंने जड़ा ग्रां आ दरम्यान आ, उसी असं उत्थे कुर्बानी दी सी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी असं उत्थे जड़ा महला आ दरम्यान आ उत्थे जाइए कुर्बानी दी। मजूर है उन्होंने मजूरों ने फैमिली ने एक जड़ा बंदा आया सा, उसकी असं उत्थे हर मजूर वास्ते असं कुर्बानी ना गोश्त ना क्यों था। तारिक साहब, अज ईद ना दूसरा रोज़ है, तो कल तीसरा रोज़ उसी, तो कल भी कोई तुसने कुर्बानी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह कल भी असं इंशाल्लाह कुर्बानी उसी, कल भी असं एक कच्चे घर के जरा गुआं पगवाड़ मोड़ा एरिया है उन्होंने कच्चे घर है जोड़े उन्होंने इंशाल्लाह असं कुर्बानी तकसीम कर सी। जी नाज़रीन, तारक अंजम मुगल साहब जिस तरह तुम्हें दसिया अल्लाह ताला कुर्बानी ना ये जरा जज्बा है अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर ना, तो बानी जी इस तंजीम ने मोहतरमा राशिदा अयूब साहब ने उन्होंने जज्बा सलामत रखा है, तो उन्होंने इन कुर्बानियाँ की कबूल फरमाया। जिस तरह उन्होंने दसिया कि पहले दिन भी कुर्बानियाँ हुई और अज भी पावड़ा ने मुकाम पर माजूरों की बस्ती कुर्बानी हुई, अज गुलहार कॉलोनी विच कुर्बानी हुई, और कल जड़ा ना वो गुआं कच्चे घर जड़ा ना कुर्बानी ना एहतमाम किया जा सी। तो अज असने नाल इत्थे मौजूद हैं गुलहार कॉलोनी ने एक बासी, असं उन्होंने गल कर सा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये दसो कि इत्थे गुलार कॉलोनी विच अज कुर्बानी होनी पई अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर नी, तारक अंजम मुगल साहब इत्थे आए, क्या महसूस कर रहे हो तुसें इस बारे? बड़े मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया इन्होंने। इत्थे कुर्बानी घट सी घर ज़्यादा से, तो वैसे माड़े ने सफ़र करने से मेरे गल की ये ना है, असं जिते ज़्यादा आवाम है या जिते ज़्यादा गरीब लोग है उत्थे असं कुर्बानियाँ कर सैंने गया, असनी कॉलोनी जो ना कुर्बानियाँ काटियाँ आवाम ज़्यादा ही है,
इन्हें फिर राबता किया उ मैडम वाला जो कुरबानी का बंदोबस्त किया उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया ते तारक अंजन मोल साहब ने शुक्रिया तुसने जनाब शुक्रिया जो सा घर आए ये गोश्त इतना सारा ये तकसीम कर सौन सारे अपने कॉलोनी लोगों की जी नाजीन इतने वासी सन जिन्हें अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर ना मोहतरमा राशिदा अय्यूब साहिबाना तारक अंजन मोगल साहब ने शुक्रिया अदा किया असा अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर ने खिदमात की भरपूर अंदाज खरादी तहसीन पेश करने हैं। तो अनवर रज़ाक रिलीफ सेंटर की जड़ी इनफरादियत है वो ये है कि वो दूर दराज इलाकें जी तो मुस्तैक और जोड़े सफेदपोश लोग हैं उन्होंने खिदमत ना फरीजा सर अंजाम देनी अल्लाह ताला उन्होंने जज्बे सलामत रखा। मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग की